हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। राम जी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा होंगे। दोस्तों, एक चाटी सुबह के ये ग्राउंड में आए हैं और ये देखिए नज़ारा। और इधर बारिश शुरू हो चुका है दोस्तों, ये देखिए बारिश के ऊपर कृपा भी नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच असम के तेजतर्रार मुख्यमंत्री, युवा हिंदू सम्राट हेमंत बिस्व शर्मा जी पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। और मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। हमने भोगनाडी से 20 सितंबर में परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया था और आज हमारे राशी ग्रामीण जिला में एक प्रकार से परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। लेकिन पूरा झारखंड का परिवर्तन यात्रा का समापन करने के लिए 2 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हजारीबाग आएगा। मैं आप लोग सबको 2 तारीख के लिए हजारीबाग आने के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रण करता हूं। 2019 आए और जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार बनाया। कैसे सरकार बनाया? वो लोगों ने हजारों वादा किया कि हमारा सरकार आने से हम ये करेगा वो करेगा, और लोगों के मन में एक विश्वास जताया कि अगर जेएमएम और कांग्रेस का सरकार आएगा तो हमारा समस्या का समाधान होगा और झारखंड का आदिवासी मूलवासी का कल्याण होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2019 सन में जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि अगर हमारा सरकार आते हैं तो हम 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप लोग देखिए, ये 5 लाख नौकरी किसको मिला है? हमारे झारखंड में हर बार परीक्षा होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलता है। जिसको भी पैसा देने का ताकत है इसको ही नौकरी मिलता है। कोई साधारण घर का लोगों का, आदिवासी घर का गरीब लोगों को नौकरी नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा गूगल कीजिए, थोड़ा सा आप लोग देखिए, हमारा जब चुनाव हुए थे असम में मोदी जी किए थे और मोदी जी ने बोला था कि अगर असम में बीजेपी का सरकार बनेगा पहला साल में ही मैं 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा सरकार का 3 साल हो चुका है। मैंने समाज बोला के 1.5 लाख नौकरी हमारा युवाओं को मैं दे चुका हूं। एक भी कोर्ट केस नहीं, एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं। कल संडे था, कल भी हमारा 12,000 पोस्ट का रिटेन टेस्ट हो चुका है। कोई भी एलिगेशन नहीं है क्वेश्चन पेपर लीक का। लेकिन झारखंड में जब भी यहां कोई भी पोस्ट का अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। कैसे क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं? ये क्वेश्चन पेपर ऐसे लीक नहीं होते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वही लोग पैसा लेके क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं और झारखंड का युवाओं को नौकरी नहीं मिलते हैं। माता और पिताओं, आप लोगों का याद है हेमंत सोरेन जी ने बताया था कि जब तक
युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तब तक जो भी पोस्ट ग्रेजुएट पास किया है उनको 5,000 रुपया हम भत्ता देगा और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट पास किया है उनको हम 7,000 रुपया का भत्ता देगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का किसी का भी बैंक अकाउंट में ये 5,000 और 7,000 रुपया आया है क्या? किसी का बैंक अकाउंट में आया है क्या? आप लोग देखिए, जो मुख्यमंत्री वादा खिलाफी करते हैं वही मुख्यमंत्री सुबह से शाम लोगों को धमकियां देते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा कि आपने खुद ही ये वादा किया था, ये बीजेपी ने आपको नहीं बोला था वादा करने के लिए, आपने वादा खिलाफी किया और आज आप कम से कम एक बार झारखंड का युवाओं का सामने आप माफी मांगो। अगर आप नहीं माफी मांगे तो चुनाव का परिणाम आने दीजिए, झारखंड का युवा आपको अपना औकात दिखा देगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, आपको याद है जब झारखंड चुनाव हुए थे उस समय हमारे हेमंत सोरेन जी ने बोला था कि हमारा महिलाओं को प्रति माह 2,000 रुपया का सुलहा का खर्चा देगा, गरीब महिलाओं को 50,000 का लोन आधार कार्ड में दिया जाएगा, विधवा माताओं और बहनों को 2,500 रुपया पेंशन देगा और सरकार बनने पर गरीब परिवार को 72,000 रुपया देगा और जो मेरा बेटियों का शादी होगा उनको 51,000 रुपया का एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। किसी का घर में सोने का सिक्का आया क्या? अरे जोर से बोलिए, किसी का घर में सोने का सिक्का आया क्या? सोने का सिक्का कहाँ गया, किसका घर में गया वो हमें नहीं बताना है, लेकिन आप लोग खुद ही खबर कर लीजिए सोने का सिक्का कहाँ गया। मैं हेमंत सोरेन जी को बताना चाहता हूँ, आप सरकारी खर्च में जरूर ये सोने का सिक्का खरीदा था, लेकिन आज हमें बताइए ये सोने का सिक्का कहाँ है। अगर वो नहीं बताते हो सुनाव का बात, अगर वो सुनाव का सोने का सिक्का पाताल में भी है, हम खोद के इसको निकाल के लेके आऊंगा, ये आप सुन के रखिए। भाई और बहनों, हमारा असम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है। 2021 में हमारा चुनाव हुआ, सरकार बना, मोदी जी ने वादा किया कि हम असम का माताओं को 1,250 रुपया बैंक अकाउंट में देगा। चुनाव हो गया, चुनाव का तुरंत बाद पहला 3 महीना में, मतलब 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 3 महीना से हमने शुरू किया कि माताओं का बैंक अकाउंट में 1,250 रुपया देने का। आज असम में माताओं का बैंक अकाउंट में 50 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में 1,250 रुपया जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, चुनाव जीते और जीतने का साथ साथ मातारी वंदना योजना शुरू किया, 1,000 रुपया बैंक अकाउंट में जाना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार बने और तुरंत 1,250 रुपया माताओं का अकाउंट में जाना शुरू हुआ। मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मैं कुछ वादा करता हूं तो पहला 2 महीना में ही इसको शुरू किया जाना सही है और कम से कम 5 साल ये पैसा लोगों का बैंक अकाउंट में आना सही है। अभी आप मुझको बताइए, शादी करने का उम्र कब है? जब जवान होते हैं तभी तो शादी होते हैं। अभी हेमंत सोरेन जी का सरकार जाने वाला है,
आईसीयू में है, अभी मैया योजना का शुरू किया है। अरे भाई, आपको अगर शादी करना ही था तो पहले ही शादी करना चाहिए था जब आप युवा अवस्था में था। अभी तो आप आईसीयू में है, अभी आपको शादी करके क्या फायदा है? बोले हमने मैया योजना शुरू किया। अरे मैया योजना आपने शुरू नहीं किया है, आपने खाली जाने का समय 1000 रुपया बैंक अकाउंट में दिया है। 5 साल में आप 7000 रुपया नहीं दिया है, खाली 1 महीना का 1000 रुपया दिया है। और उनका जो एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज में 1000 रुपया से ज्यादा खर्चा किया है। आप लोग देखिए, जहां भी जाएगा मैया मैया, लोगों को लगेगा कि हेमंत सोरेन जी 5 साल से मैया दे रहा है। इतना धोखाबाज मुख्यमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब जाने वाला समय में 1000 रुपया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 3 या 7 तारीख तक इंतजार कीजिए। मैया योजना का जगह में बीजेपी गोगो दीदी योजना लेके आ रहा है। और मैं आपको वादा करता हूँ, हम 4 साल 9 महीना का बाद यह योजना शुरू नहीं करूंगा। सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री वोट लेगा और ऑफिस जाने का पहले ही माताओं को ये गोगो दीदी योजना चालू करेगा। ये मोदी का गारंटी है, ये हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, हमारा भत्ता नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, लेकिन हमारा यहाँ में कुछ पीजीटीसर का नियुक्ति हुआ। युवाओं ने मुझको बोलते हैं कि यहाँ में पूरा धनली हुआ। झारखंड का युवाओं को नेपाल लेके जाते हैं, 200-300 युवाओं को नेपाल में क्वेश्चन पेपर दिया जाते हैं और फिर वो लोग आके यहाँ एग्जाम देते हैं। ऐसे हजारीबाग में परसों दिन युवाओं ने मुझको बताया। भाई और बहनों, यहाँ हेमंत सोरेन जी का सरकार से आप कुछ आशा मत कीजिए। ये सरकार कुछ करने वाला नहीं है, ये सरकार खाली अपना लिए ही बड़ा बेस्ट है और किसी के लिए बेस्ट नहीं है। आप देखिए, झारखंड में आज किसी को मकान बनाने के लिए बालू मिलते हैं क्या? बालू मिलते हैं क्या? सरकार क्या बोला था कि बालू हम लोग फ्री देगा? हाथ उठाइए, किसको किसको बालू फ्री मिला बताइए, किसको बालू फ्री मिला है? किसी को मिला है? कम से कम हेमंत सोरेन जी को सुनना चाहिए कि आज ये सभा में 1000 लोग हैं और कोई लोगों को बालू फ्री नहीं मिला है। फिर एक बार बताइए, झूठ मत बोलना है, हमें सत्य के साथ में है। किसी को बालू फ्री मिला है क्या? किसी को बालू फ्री मिला है क्या? थोड़ा हेमंत सोरेन जी सुन ले, थोड़ा सा बढ़िया से बताना, आवाज देके बताना। बालू किसी को फ्री मिला है क्या? किसी को फ्री मिला है क्या? फिर एक होते हैं, बोले बीजेपी आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। कहां बोलते हैं? हमारा प्रदेश में तो हम आदिवासियों को आदिवासी ही बोलते हैं। भारत सरकार तो आदिवासी आदिवासियों बोलते हैं। आदिवासियों का खिलाफ काम कौन किया है? आज आप देखिए, ये भूमि बिरसा मुंडा का भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि है, सिद्धू कानू का भूमि है। ये आज भूमि में आप देखिए क्या हो रहा है। हमारा 1951 में आदिवासी का संख्या संथाल परगना में 23,22,000 था। 2011 में आदिवासियों का संख्या थोड़ी घटा, लेकिन 2021 में अभी पूरा संथाल परगना में आदिवासियों का संख्या 28% से 16% हो चुका है। ये कौन आया है? बांग्लादेशी घुसपैठी आके संथाल परगना भर चुका है। झारखंड हाई कोर्ट बोला है कि भाई घुसपैठियों को हटाओ। हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि घुसपैठी मुझको दिखाई नहीं देते हैं।
तो ये घुसपैठी नहीं है क्या? आपका दामाद है क्या? आपका दामाद है क्या? जो लोग पाकुर में आके बस लिया, जो लोग संडाल परगना में आके बैठा हुआ है, वो लोग कौन है? आज हर दिन आदिवासियों का संख्या घट रहा है और घुसपैठी आज संथाल परगना और कलहान में भारी मात्रा से आज घुसपैठी आज घुस चुका है।